यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, तो जैसे कि आज रमज़ान का चौथा रोज़ा है और ये मतलब कि मैं सहरी का रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं लेट उठी थी, इतनी थकी हुई थी। तो फिर तो अब मैं उठी हूँ, अब जुमा नमाज़ का टाइम हो गया क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फिर जुमा नमाज़ पढ़ती हूँ मैं। और ये आपने मैं वो क्या कहते हैं जन्नत को जो है ना, वो जन्नत, वो मेरी कज़न की बेटी है छोटी सी 5 साल की, तो वो उठी हुई तो उसे भूख लगी है तो उसे मैं कुछ बना के दे दूँ तो वो खा ले। और फिर ना मैं जुम्मन बाद पढ़ती हूँ, जुम्मन बाद पढ़ने के बाद फिर देखते हैं। मैंने अपने तोतों को भी नहीं देखा, उसे उसका पानी भी चेंज करना, तो फिर मैं मिलती हूँ जुम्मन बाद पढ़ने। ये मैं जन्नत के लिए बना रही हूँ क्योंकि हम तो सहरी टाइम मतलब सहरी कर ली थी और अब एक हो रहा है, तो फिर अब वो अब उठी है तो अब वो कह रही है मुझे भूख लगी है, तो ये ना समझेगा कि रोज़ा रख के पता नहीं अब ये क्या खाने लग गई है। तो ये मैं जन्नत के लिए बना रही हूँ, तो ये मैं फिर अब बना लूँ और फिर मैं उसे दे दूँ। तो फिर मैंने नमाज़ भी पढ़नी है, जो मैं नमाज़ पढ़ने तो उसका टाइम भी फिर निकल ना जाए, तो बस ये मैं जल्दी जल्दी बना के फिर उसे दे देती हूँ। और फिर जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर अफ्तार तैयार करनी है क्योंकि टाइम गुजरने में पता भी नहीं चलता, और फिर आज मेरे दोस्तों ने भी आना है तो फिर जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा सारा कुछ। और ये मैं इसके लिए बता रही हूँ ये वाला, कज़न जो है वो वापस जाएंगे गाँव और फिर मैं इधर कार्टून वगैरह लगा देती हूँ क्योंकि जन्नत मेरे पास हो गया। ऐसे जन्नत, तो अब हम कार्टून लगाते हैं, कार्टून देखेंगे हम दोनों मिलके। मुझे रोज़ अभी से लगे यहाँ पर ये जन्नत जो है ना कार्टून देख रही है लैपटॉप पे। यहाँ पर मैंने कहा कि सामान लिख लेती हूँ अफ्तार का और दे देती हूँ फिर एहसन को। ये सामान सामान मैंने लिख लिया और अब एहसन आ जाए नमाज़ पढ़कर तो फिर उसे बस देते हैं। ये सारी जो है ना अलमारी जो है ना ख़राब हुई पड़ती है, जैसे खोलते थे ना मुंह के ऊपर कपड़े आ गिरते थे। मैंने कहा भाई ये निकाल दो, भाई मुझे निकाल दो, मैं जहमत कर लेती हूँ, मैं इन्हें तय लगा देती हूँ और सेफ में रख तुम देना बस। अब ये मैंने तय लगा ली और चंदा कर गाड़ी पर जाके अपने तोतों को देख लो। मिठू का पानी जो है ना वो चेंज कर लें, सारा गंदा किया हुआ है पानी। आज जो थी वो मैंने पढ़ ली थी और कपड़े वगैरह जो थे मैंने तय कर दिए थे और अब चंदा का काम है सेट करना अलमारी में। और क्या क्या कह रही थी, हाँ सामान भी मैंने लिख लिया था, जैसे आपको मैंने कहा है सामान मैंने लिख दिया था, सारे काम मैंने कर लिया। अब सामान जब आएगा तो फिर हम इफ्तारी बनाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि क्योंकि आज मेरी दोस्तों की इफ्तार कर रही हूँ मैं अपने घर, तो इसलिए सामान जो है वो ज़्यादा बनाना पड़ेगा। जन्नत मुझे देख के हंस रही है, जन्नत कह रही है ये क्या कह रही है। तो हम फिर मेरी दोस्तें आ रही हैं आज मेरे घर पे अफ्तार के लिए, तो हम फिर अफ्तार बनाएंगे, अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि फिर टाइम लगता है ना। अब टाइम हो रहे हैं 3 हो रहे हैं। हाँ जी ये क्या था टाइम, तो वही तो मैं कह रही हूँ टाइम नहीं है। तो अब हम जो है ना ऐसा भी जैसे सामान लेके आते हैं ना, अभी वो सामान लेके आ गए, फिर मैंने फ्रूट्स भी मंगवाने हैं, तो फिर जो है बस बनाना स्टार्ट करते हैं चीज़ें। यहाँ पे चंदा जो है ये कपड़े वगैरह सेट कर रही है और मैं तब तक क्या करना है, मैंने कमरा सेट कर लेती हूँ। और अब जो है वो बस अफ्तार का सामान भी ऐसा भी लेके आ गया, तो अब रेडी करते हैं सारी चीज़ें आगे, तो अब किचन में जाते हैं और किचन में जाके बनाते हैं अफ्तार। The best day in your life.
यहाँ पे ये रोल बना के रख दिए हैं, ये समोसे और पैटीज का सामान जो है वो भी मतलब बना के रख दिया। अब इनको ना वो थोड़ी देर रख के ना फिर अब इनको समोसे और पैटीज बनाएंगे। इधर पैटीज के सामान के लिए और रोल वगैरह के लिए ये चीज़ें जो है ना वो बन रही हैं। इधर माइक्रोनीज का सामान आया हुआ है सारा, और फिर मैं भी दिखाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ आपको। और शेक का ले शेक के लिए फ्रूट्स भी मैंने मंगवा के ना वो फ्रिज में मैंने रखी हैं, तो फिर आप ये चीज़ें सारी बनाते हैं। सब्जियाँ सारी मैंने कट करके रख ली हैं मैक्रोनीज के लिए, ये फ्राइज भी मैंने कट करके रख दी हैं। इधर वो क्या कहते हैं वो बना रही हैं समोसे वगैरह का सामान और पैचेस का सामान, और वहाँ पे माइक्रोनीज वगैरह जो है वो बॉईल हो रही हैं। किचन में काम कर करके ना मैं इतनी थक गई हूँ, मैंने थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाती हूँ और फिर दोबारा जाके करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोनीज वगैरह बॉईल हो रही हैं और सब्जी वगैरह मैंने कट के फ्राइज वगैरह कट करके रखती हूँ, और बाकी वो समोसे वगैरह का काम वो वैसे भी आप ही नहीं करना होता। इतना थक गया, शेक भी बना कर जो है ना वो मैंने रख दी, और अब थोड़ा मैंने नमाज भी पढ़नी असर की और फिर जो है दोबारा किचन में जाती हूँ। आज ना मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा जो है ना वो फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों मुझे इतनी भूख लगी हुई है ना अभी। मैं 12 बजे से मुझे ऐसे ना फील हो रहा है, अब हालत टाइट हो गई। ये किस चीज़ का मसाला बना रही हो? माइक्रोनीज और पैटीज का मसाला है ना, माइक्रोनीज और पैटीज का मसाला और समोसों का मसाला भी हो रहा है। ये जो है ना चिकन सैंडविच है, यहाँ पे इन्हें फ्राई करना है, और ये रोल, ये समोसे और माइक्रोनी अभी ना हफ्सा बनाएगी। और अभी सामान नहीं है। सामान कौन सा नहीं है? तुमने तो बोला अभी सामान कम है खाने में। नहीं मैंने ये कहा है कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए सामान। हाँ। इसे आप इग्नोर करें ठीक है, और मेरी बात पे आप वो करें तवज्जो। सॉरी फ्रेंड जो है ना वो आ गई है और मेरी खिखी की इसलिए बात नहीं हो रही। और अब ना मैं दिखाती हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने तैयार की थी ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी ना दीदी दोस्त कहती है कि खाना देख के ना क्या हो रहा है पापा ना सब्र नहीं हो रहा। खाना देख के सब्र नहीं हो रहा, और अभी ये उठा के ना खाने लगी थी। मेरे कहा बहन रुक जाओ थोड़ा सा टाइम रह गया, बस 10 मिनट रहते हैं तुम रोज़ा खोल लेंगे हम। और अभी एक मेरे एक ही दोस्त आई है और दूसरे दोस्त अभी तक आए भी नहीं है, पता नहीं कब पहुँचेंगे, अभी तक वो रास्ते में मैंने उसे कॉल किया। 2-3 लोगों के लिए तो ये थोड़ा खाना है। ये थोड़ा है वह पाला, ये तो तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ही है। मेरा नाम लेना जरूरी था ताकि उन्हें पता चले ना ये कि ताकि उन्हें भी पता चले कि किस हिसाब से थोड़ा। अभी ये कह रही थी कि ये बहुत ही आता है, इतना कुछ करने क्या जरूरत थी। और अब व्लॉग देखे ना अरे ना दीदी बातें कर रही है। बस मैं ऐसे बातें करी ऐसे तो मेरा वो क्या होता है छोड़े इसे इग्नोर करें। इसके बाद सुनने लायक नहीं, मेरा वो इरादा नहीं था। ठीक है तुम्हारा इरादा कभी भी नहीं होता, पर तुम कह जाती हो मेरा इरादा सिर्फ डाइटिंग का था सारा सारी जिंदगी। अब वो मैंने तुम्हें नहीं कहने देते जब तुम मेरे साथ हो। ये चीज़ें अभी ना ये खोल के देखो अभी और आ रही है पीछे से, और मेरी दोस्त कह रही है कि अभी तक ये कम है, आप सोचे ये कितना खाती होगी। बहुत ज़्यादा अल्लाह की नेम पे खाने के लिए होती है। हमारे फ्राइज कम बने हैं क्योंकि टाइम नहीं था, देख लो अफसोस मैं पा रहा, मैंने इतनी मेहनत से काटे थे। ये शेक भी मैं उठाना था, ये उधर रखो अपने पास। बस कितने मिनट रहते हैं? 2 मिनट टाइम देखो 26 हो गया आज। वगैरह जो थी वो चली गई थी अपने घर, अफ्तार जो था हम सब लोगों ने कर लिया था। उनके बाद हमारे गेस्ट आ गए थे, हमारे फूफो और उनके बेटे वगैरह बेटियां वगैरह, तो फिर मैं उनके साथ बैठी अफ्तार करने के बाद। और फिर जो है हाँ मैंने सोचा मैं एंड कर दूँ व्लॉग को। ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। प्लीज़ आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, आपके हाथ दुखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।